अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये सोशल स्टडी का पेपर है क्लास 8 का सेकंड टर्म का। इसमें मैंने तमाम के तमाम 10 वर्जन्स इकट्ठे कर दिए हैं। तमाम 10 वर्जन्स के जो हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो एक ही जगह पर इकट्ठे इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। अब आपको ना तो बुक से याद करने की ज़रूरत है, ना ही किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत है। लेकिन आपने इसके MCQs जो है ना वो याद करने हैं। वो मैं ऑल 10 वर्जन के कुछ देर तक बना दूँगी, तो वो भी आपने वहाँ से याद कर लेने हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने यहाँ से याद कर लेने हैं। इन्हीं में से कोई से 6 सवाल आपको आएंगे पेपर में, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं। पहले वर्जन का पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बंगाल की तकसीम के खात्मे की वजाहत करें। बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजम ने 1911 ईस्वी में हिंदुस्तान का दौरा किया। उन्होंने 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक अदालत का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने बंगाल की तकसीम को मनसूख करने और मशरकी और मगरबी बंगाल को दोबारा एक मुत्तहिद सूबा बनाने का ऐलान किया। अगला सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की वजूहात बयान करें। तो इसकी क्या वजह थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनानी पड़ी? मुसलमानों के लिए अलहदा वोटर का हक हासिल करना, मुस्लिम कौम को हर सतह पर मुत्तहिद करना, मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन पर ग्रीन हाउस गैसों के असरात बयान करें। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात और धूल के ज़र्रात ज़मीनी हरारत के अखराज को जज़ब करते हैं और ज़ीरी माहौल को ज़िंदगी के लिए गर्म रखते हैं। इस अमल को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ये ज़मीनी दर्जा हरारत को ज़िंदगी के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजू रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफिल, कार्बन, धूल के ज़र्रात और पानी के बुखारात की मकदार में बेकाबू इजाफा फिजाई आलूदगी का सबब बनता है, जो बलाखर ग्लोबल वार्मिंग के अमल को फ़रोग देता है और हिफाजती ओजोन तह को नुकसान पहुंचाता है। ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग के दरमियान ताल्लुक बयान करें। कुदरती माहौल में इंसानी मुदाखलत के नतीजे में ज़मीनी दर्जा हरारत में बदतरीज इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में जलाओ के अमल से ग्रीन हाउस गैसों का अखराज हवाई आलूदगी में इजाफा करता है, जो नतीजे के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग के अमल को बढ़ाता है और ओजोन को पतला करता है। बैन अल-अक़वामी तिजारत में पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करने के लिए किन इकदामात की ज़रूरत है? पाकिस्तान के तजारती शराकत दारों के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। एशिया के लिए तजारती एशिया की मांग को पूरा करने के लिए, इनकी तवक्कात को पूरा करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तजारती शराकत दारों की तरफ से दिए गए टाइम शेड्यूल का ख्याल रखना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल्स को बरकरार रखने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ्राहम करदा बैन अल-अक़वामी मेयारात पर पूरा उतरना बहुत ज़रूरी है। तजारती शराकत दारों के दरमियान करंसी का बेहतर तनासब बरकरार रखें। तजारत के फ़रोग के लिए रुकन ममालिक को तजारती वफूद भेजे जाएँ। सवाल है, दरामदात और बरामदात पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा करती हैं? दुनिया का हर मुल्क अपनी दरामद और बरामद के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करता है, क्योंकि तजारती तवाज़ुन मुल्क की माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्क को कर्ज़ों पर कम इन्हिसार करने की ज़रूरत है और यह इस सूरत में मुमकिन है जब कोई मुल्क अपनी मसनूआत के मैयार और मकदार को बेहतर बनाकर खुद कफील हो जाए। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के पास काफ़ी हुनरमंद इंसानी वसाइल है जो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा सासा साबित हो सकते हैं, लेकिन बेरोज़गारी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। नतीजतन पाकिस्तान की फीकस आमदनी बहुत कम है और गुर्बत का ग्राफ बहुत बुलंद है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की दरामदात बरामदात से कम है। तजारती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को लग्जरी आइटम्स की दरामदात को कम करना होगा और बरामदात के मेयार और मकदार को बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी होगी। तजारत का तवाज़ुन इसकी इक्तसादी तरक्की की ज़मानत देगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपने ये वीडियो को एंड तक देखना है और इसमें दिए गए तमाम क्वेश्चंस को याद करना है। और आपने देखा है कि इसमें दाएं तरफ जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो उर्दू में लिखे हुए हैं और बाएं तरफ इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे जो हैं वो इस पेपर से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और तमाम क्वेश्चंस को याद करना है। उसके बाद MCQs वाली वीडियो को लाजमी, उसमें तमाम आपने 100 MCQs तमाम वर्जन्स के वो भी याद कर लेने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना आपने, और अगर जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि बाकी पेपर्स की वीडियो आपको बआसानी मिल सकें।